एक तरफ जहां वर्षों से चले आ रहे यूपी हरियाणा सीमा विवाद को निपटाने के लिए दोनों ही राज्यों के अधिकारी व सरकारें मीटिंग में मंथन कर रहे हैं और दो दिन पूर्व कलेक्ट्रेट में हुई दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मीटिंग कर विवाद सुलझाने के लिए बाउंड्री पर पिलर लगवाने के रास्ता निकाला था, जिसके सर्वे की तैयारियां की ही जा रही थी कि वही विवाद सुलझने से पहले ही संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। मामला केकड़ा तहसील क्षेत्र का है, जहां हरियाणा के किसानों ने हथियारों के बल पर दो दर्जन ट्रैक्टरों से यूपी के किसानों की फसल उजाड़ दी और विरोध करने पर किसानों के साथ मारपीट भी की गई है और किसानों का आरोप है कि इस दौरान हरियाणा का प्रशासन भी वहीं मौजूद था। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत जिले के अधिकारी हरियाणा के अधिकारियों से वार्ता कर मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मेरा नाम कलू राम है जी। क्या हुआ कल तुम्हारे गांव? कलम खेत में अपने में काम कर रहे थे जी। हरियाणा में नंगला बलूपुर हमारा गांव है जी, खुरमपर से लगता हुआ है। जब हम वहाँ काम कर रहे थे तो करीबन 2:30 बजे हरियाणा वाले हरियाणा पुलिस को लेकर और SDM को लेकर हमारे खेतों में आ गए जी। हमारे यहाँ गेहूँ और साग सब्जी बोई हुई थी जी, जिसमें उन्होंने अपने 30-40 ट्रैक्टर 70 ट्रैक्टर करीब थे और प्रशासन की ओर से पुलिस भी आई हुई थी। उन्होंने हम पीट के भगा दिया हमसे। हमारा गांव भी बना हुआ है जी, वहाँ सब चीज़ हम गांव में से ही भगाई जी उन्होंने, और रात को हमारे घरों में आग भी दी गई जी वहाँ जी। और जी फसल बर्बाद कर दी गई, हमारे जितने बोरिंग थे या ट्यूबवेल जो भी थी वो सब उन्होंने तोड़ दिए जी। हमारे साथ मारपीट भी करी गई, हमने अपने कागज दिखाए जी, जो हमारे पास कागज थे उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। जो हमें ज़मीन मिली हुई है चंडीगढ़ कोर्ट से, उसमें उन्होंने कोई हमारे कागज नहीं देखे जी, और इन्होंने हमारे साथ मारपीट और करी जी। क्या नाम है जी आपका? गन्नू यादव। गन्नू जी, हरियाणा के किसानों द्वारा प्रशासन द्वारा खेत जुताई का मामला आया, क्या मामला था? ऐसा था जी, हमारा पूरा गांव समस्त क्षेत्रफल कट का हरियाणा सीमा में चला गया था, तो हमने वहाँ जैसे तैसे करके बोना शुरू करा, उन्होंने हमें वहाँ से भजाना शुरू कर दिया हमारी ज़मीन में से, और अपनी गिरदावरी गिरवा ली उस ज़मीन पे अधिकारियों से मिलजुल के, ना कि किसी न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है वो गिरदावरी। उस गिरदावरी के बावजूद हमने एकता करके समस्त ग्रामवासियों ने, पूरे गाँव की जो के बच्चों ने मिल के एक कमेटी गठित की, कमेटी गठित करके हरियाणा चंडीगढ़ जा कर मुकदमा डाल दिया, और मुकदमा डालने के बाद में 1997 में हम मुकदमा जीत गए चंडीगढ़ द्वारा। पूरे गांव को 254 एक बंदोबस्त, हमारा 3 बंदोबस्त है, उसमें से एक बंदोबस्त पे हमारा कब्जा करवा दिया गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हमारा 254 किले पे हमारे कब्जा करवा दिया, और बाउंड्री लगा के हरियाणा के अधिकारियों द्वारा हमारा गांव भी हदबस्त नंबर 243 हरियाणा में ही लगा दिया गया। क्यों? यहाँ तो हमारा रकबा नहीं, हम तो काठे के मोजे में पड़े हैं यहाँ, तो वहाँ बोट भी बन गई हमारी, मकान बन रहे हैं, 70 मकान हैं उसमें। बाद में उन्होंने पहले भी आग लगा चुके थे 98 में आके, जब हम वहाँ बस गए थे 80 घर पहले फूंक दिए थे, लेकिन अब हम 97 से आज तक बोते आ रहे हैं 254 किले, जिस पर उन्होंने रोक आदेश ले लिया, स्टे लगवा दिया, हमारी जमीन है उसका आज लो निर्णय नहीं हुआ, कब्जा हमारा है, बोरे हमारे किसान, हर एक बिरादरी बोरी है सारा गांव। तो अब कल उन्होंने, जबकि 19 तारीख में यहाँ मीटिंग हुई है, 18 में 19 में बागपत में, दोनों प्रांतों के अधिकारी थे, हरियाणा के भी यूपी के भी, उसमें ये निर्णय हुआ था 26 तारीख में सर्वे किया जाएगा। वो उसकी इंतजार ना करते हुए कल अधिकारियों से गांव वासियों ने मिली भगत करके और हमारी सारी जमीन, फसल, गेहूं बुई बुआई सब के उजाड़ दिए, और मकान में आग लगाने आए थे, एक ही मकान में, मेरे मकान में आग लगा के चले गए, जो फूका पड़ा है, वहां सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना प्रशासन सुन रहा, बोरिंग तोड़ दी। करीब 70 ट्रैक्टर थे और प्रशासन पुलिस थी,
500 पुलिस वाले थे, एसडीएम था और तहसीलदार नायब तहसीलदार था। कहाँ के थे प्रशासन? सोनीपत, राई ब्लॉक सोनीपत से। सोनीपत के अधिकारियों ने मारपीट भगा दिए। पहले ही जाते ही गांव में कह दिया भागो यहाँ से। वहां से लोग चले आए भाग के और उन्होंने जमीन हमारी फसल जोत दी। फसल जोत के मकानों में आग लगानी शुरू करी। प्रशासन ने रोक दिए तो रात को आके मकान में आग लगा दी। ये ग्राम बहलोलपुर है जो ये यमुना नदी से उस तरफ हरियाणा की तरफ हरियाणा की सीमा में है। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। यह हरियाणा सीमा में और वहाँ के लोगों का माननीय उच्चतम न्यायालय में भी कोई विवाद हुआ है, वहाँ वाद चल रहा है। इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है और हमारी सर्वे टीम्स और जो रेवेन्यू टीम हैं वो भी इसमें दिखवा रहे हैं और हरियाणा के अधिकारियों से जानकारी लेकर जो भी सही कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी।